क्यों परेशान रहते हैं चारों तरफ से हम, किसके लिए पूरी उम्र भागते रहते हैं हम, मन को शांत क्यों नहीं कर पाते, आगे बढ़ना चाहते हैं फिर भी सफल नहीं हो पाते, इतने दुख क्यों, इतनी परेशानियों और इन दुखों का क्या करूं, कहां मिलेगा इसका जवाब, आखिर दुनिया में इतने सारे लोग खुश कैसे रहते हैं, क्या है इस खुशी का राज, मैं कैसे बदलूं अपना जीवन, कौन बदल सकता है जीवन, कौन चलाता है ये जीवन। पीताम्बर भरणमाल्या विभूषित आंगन देवी, जब हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में तूफान या ऐसे चल रहा था तो उस वक्त रोकने वाला कोई नहीं था, तो भगवान विष्णु ने आराधना की और उसे ये माता जो बगलामुखी प्रकट हुई और उसके बाद शत्रुओं का विनाश किया। शत्रु का विनाश करने वाली, सर्वार्थ सिद्धियों को देने वाली एक आदमी का प्रमुखता दी जाती है सर्व देवताओं के, जब बगलामुखी को मिली है, इसलिए माता बगलामुखी को सर्वश्रेष्ठ माना गया, वो भी कलयुग में। माँ माई बगलामुखी जो है जे ब्रह्मास्त्र विद्या है, जे सुप्रीम पावर बोलते जिसको, जे वो है, किसी का कहीं पे भी कोई वश नहीं चलता, तो माता बगलामुखी का सिमरन किया जाता है, तो माँ बगलामुखी जो है कष्टों का निवारण करती है। ब्रह्मास्त्राणाय विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि ब्रह्मास्त्राणाय विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। तन्नो बगला प्रचोदयात्। तन्नो बगला प्रचोदयात्। ये जीव जंतु समस्त जगत है उसी शक्ति से, ये बादल, ये हवा, अग्नि, जल, ये जंगल है उसी शक्ति से, ये पृथ्वी घूम रही है अपनी धुरी पर उसी शक्ति से, ये समूचा ब्रह्मांड, ये ग्रह, नक्षत्र, ये तारा मंडल चलते हैं उसी शक्ति से। तन्नो बगला प्रचोदया। तन्नो बगला प्रचोदया। नित कर ध्यान तू, नित कर दर्शन, मंत्रोच्चारण कर तू मन ही मन, तू कर ध्यानम, 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 तू कर ध्यानम। बगलामुखी मंत्र के जप मात्र से न केवल मान सम्मान में वृद्धि होती है, बल्कि इसके निरंतर जप करने से जापक को उसकी इच्छानुसार फल की भी प्राप्ति होती है। आप यूं समझ लीजिए कि ब्रह्मास्त्र कवच यंत्र एक तरह का सूत्र है, मतलब फार्मूला है अपनी समस्याओं और मुश्किलों के समाधान का। परेशानी किसी भी तरह की हो, उसका हल है श्री ब्रह्मास्त्र कवच यंत्र। सर्वप्रथम भगवती बगलामुखी की उपासना ब्रह्मा जी ने की। माता बगलामुखी की शक्ति से ही उन्होंने सृष्टि की रचना की। उसके बाद इस विद्या को ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनत कुमार को प्रदान किया। ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार ने यह विद्या आगे नारद जी को प्रदान की। नारद जी ने इस विद्या का उपदेश सांख्यायन मुनि को दिया। तत्पश्चात समस्त जगत के उत्थान के लिए सांख्यायन मुनि ने अपने सांख्यायन तंत्र की रचना करते हुए 36 पटलों में इसका वर्णन किया।
महाविद्या बगलामुखी के दूसरे उपासक भगवान विष्णु हुए और उसके बाद महादेव शंकर ने उनकी उपासना की। इसी विद्या के प्रभाव से एक बार महर्षि च्यवन ने देवराज इंद्र के वज्र तक को स्तंभित कर दिया था। तंत्र और मंत्र ये यंत्र ये माता के ही सब है। ये माता बगलामुखी के चाहे किसी कोई भी देवता है उन्हीं के ही प्रक्रिया है। तंत्र मंत्र यंत्र जो भी है तो इसकी पूजा करने से आदमी को जिस प्रकार से वो उसे पूजा करता है उस प्रकार से उसको फल मिल जाता है। ब्रह्मास्त्र शक्ति है भगवती बगलामुखी की और इस ब्रह्मास्त्र शक्ति का कवच होता है जिसकी साधना करके सिद्धि करके इस कवच का प्रयोग कर साधक फल पा सकता है। लोक हित को ध्यान में रखते हुए इस ब्रह्मास्त्र कवच की शक्ति को यंत्र में समाहित किया गया है। इस तरह से यह एक ऐसा यंत्र है जिसमें ब्रह्मास्त्र कवच की शक्ति है और ऐसा पहली बार ही हुआ है जब कवच और यंत्र का योग हुआ है। ऐसे में इसे धारण करने वाले धारक के भाग्योदय और लाभ प्राप्ति के मार्ग तो खुलते ही हैं, साथ ही साथ उसके सुरक्षित रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। किसी भी प्रकार की दुर्घटना के आसार खत्म हो जाते हैं। ब्रह्मास्त्र कवच यंत्र के धारण करने के साथ ही साथ आप यूं समझ लीजिए कि आपके सौभाग्य की शुरुआत हो जाती है। धन और समृद्धि के योग तो प्रबल होते ही हैं, शत्रु एवं अन्य बाधाओं का भी नाश होता है। ब्रह्मास्त्र 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 कवच यंत्र। दसों महाविद्याओं में मां बगलामुखी ऐसी महाविद्या है जिन्हें ब्रह्मास्त्र रूपिणी, स्तंभनास्त्र रूपिणी, दस विद्यात्मिका देवी, दस विद्या स्वरूपिणी कहा गया है। उनके ब्रह्मास्त्र कवच एवं मंत्र से निर्मित किया गया यंत्र है श्री ब्रह्मास्त्र कवच यंत्र। बाल भानु प्रतीकाशाम नील कोमल कुंतलाम वंदे हम बगलाम देवी स्तंभनास्त्र रूपिणी। जिनकी सारी दुनिया आराधना कर रही है और तो और ब्रह्मा विष्णु शिव और जिनकी आराधना कर रहे हैं वो देवी माँ मणिक द्वीप में वास करते हुए सारी सृष्टि का संचालन कर रही है, सारी सृष्टि का भला कर रही है। वही माता बगलामुखी है, वही माँ काली है, वही दस महाविद्याएं हैं। उस दस महाविद्या का दिव्यमय ब्रह्म अस्त्र धारण करने से जीवन में हर प्रकार से शुभत्व प्राप्त होता है, शत्रुओं का नाश होता है, बाधाओं का नाश होता है, ग्रहों की पीड़ा का निवारण होता है। बगलामुखी आवेश है, आवेश है। आम हिलरीम क्रोम ब्रह्मास्त्र रूपिणी एहि एहि। आम हिलरीम क्रोम मम हृदये आवाहय, आवाहय। सान्निध्यम कुरु कुरु। आम हिलरीम क्रोम ममैव हृदये चिरं तिष्ठ तिष्ठ। आम हिलरीम क्रोम हुं फट स्वाहा। जी हाँ, ब्रह्मास्त्र कवच यंत्र पर भी वही मंत्र संपुटित किए गए हैं। इसे धारण कर आप अपने जीवन में कष्ट कले और बाधाओं से पार पा सकते हैं। ये यंत्र आपको एक अद्भुत ऑरा प्रदान करेगा। इनके पढ़ने मात्र से हर नकारात्मक ऊर्जा आपसे कोसों दूर भाग जाएगी और समस्त सकारात्मक ऊर्जा जो स्वयं शक्ति के अधीनस्थ है वह आपके आसपास ही रहेगी। श्री ब्रह्मास्त्र कवच यंत्र सभी ग्रहों के दुष्प्रभावों से हमारी सुरक्षा करता है, चाहे वो शनि की साढ़े साथी हो, ढैया हो, या फिर शनि वक्री ही क्यों ना हो, या फिर कुंडली में मार्केश की दशा हो। श्री ब्रह्मास्त्र कवच यंत्र धारण करते ही आप सभी विपत्तियों से मुक्त हो सकते हैं और मांगलिक दोष हो या कालसर दोष, प्रत्येक दोष के भय से मुक्ति दिलाता है श्री ब्रह्मास्त्र कवच यंत्र। ये कवच के रूप में समस्त संकटों से जहां आपकी रक्षा करता है, वहीं यंत्र के रूप में आपके लिए निर्मित नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में परिवर्तित करता है। परिस्थितियां आपके अनुकूल बनने लगती हैं, यहां तक कि आपके विपक्षी, विरोधी और शत्रु भी आपके समक्ष
नतमस्तक होने को विवश हो जाते हैं। इस कवच पर संपुटित मंत्र का प्रतिदिन पाठ करने से सब कष्टों का, दरिद्रता का और दिमागी परेशानियों का निवारण होता है। देवी कवचम परमाद्भुतम। ऐसा प्रमाणित है कि देवी का ये कवच परम अद्भुत है। श्री विश्व विजयम नाम कीर्ति श्री विजय प्रदाम। इस कवच के पाठ से विजय, नाम, कीर्ति तथा यश की प्राप्ति होती है। इति ते कथितम् देवी कवचम् परमाद्भुतम् श्री विश्व विजयम् नाम कीर्ति श्री विजय प्रदाम। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए परमात्मा को प्रसन्न करने के तीन विद्याओं का उपयोग करते हैं, यंत्र, मंत्र, तंत्र, जिनमें सबसे साधारण और सरल उपाय से हमें भगवान प्राप्त होते हैं वो है यंत्र विद्या। और यंत्र को धारण करने से हमारे जीवन में शुभत्व प्राप्त होता है। जितनी महामाई के मंत्रों में शक्ति है उतनी ही यंत्रों में शक्ति है। यंत्रों को ही प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मंत्रों के द्वारा। उसको पॉकेट में रखने वाले भी होते हैं, गले में धारण करने वाले होते हैं यंत्र, और घर में पूजा स्थान में रखने वाले यंत्र होते हैं। यंत्रों के द्वारा भी हम सभी प्रकार की समस्याओं का अपने हल कर सकते हैं। अपुत्रो लभते पुत्रम धीरम शूरम शतायुषम। जिन्हें संतान नहीं होती, ब्रह्मास्त्र कवच के नित्य पाठ एवं धारण करने से उन्हें धीर, वीर, शक्तिशाली और बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है। निर्धनो धनमाप्नोति कवचास्यास्य पाठतः। यदि इस कवच का पाठ नियमित रूप से किया जाए तो निर्धन व्यक्ति भी अति धनवान हो जाता है। हमारी मातृशक्ति बहुत ज्यादा दुखी है, वह यह दिव्यमय ब्रह्म अस्त्र मंगा कर अपने जीवन में धारण करे तो उनके जीवन में अपयश का निवारण होगा और यश को प्राप्त। वंध्यायाम जायते पुत्रो वंध्यायाम जायते पुत्रो विद्याबल समन्वितः। वंध्या स्त्री को भी विद्या से परिपूर्ण संतान की प्राप्ति होती है। बगलामुखी का जो यंत्र है इसको सिद्ध करवा के आप घर में बैठकर इसकी पूजा कर सकते हैं, यानी कि साक्षात माता का ही साकार होता है इसमें। सवेरे मतलब जब स्नान करके नहा धो के इसका स्नान करा के धूप टीका लगा के और इसको प्रतिदिन इसकी पूजा करें तो इसलिए आपकी जो पूजा करेंगे तो आपके घर में मंगल ही मंगल होगा और कभी कहीं किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा आपके ऊपर। तरक्की से हमारा आपका तात्पर्य क्या है? तरक्की किसे कहते हैं? सफलता किसे कहते हैं? सफलता का मापदंड होता है सब समस्याओं का समाधान, यानी कि आपके जीवन से निराशा का जाना और उत्साह का आना। आपका यकीन बढ़ जाता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं मंजिल उसी रास्ते पर है। ब्रह्मास्त्र कवच यंत्र को धारण कर आप उसी शक्ति को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। ये आपको कई स्वरूपों में मिल रहा है। श्री ब्रह्मास्त्र कवच यंत्र को आप गले में धारण कर सकते हैं, बाजूबंद को अपने बाएं बाजू पर धारण कर सकते हैं, इसे अपने वाहन में स्थापित कर सकते हैं, अपने ऑफिस में, अपने घर के या दुकान के मंदिर यानी पूजा स्थल पर, या फिर घर के प्रवेश द्वार की चौखट पर इसे सुशोभित कर सकते हैं। किसी का कोई राजनीति क्षेत्र के लिए यंत्र बनवाया गया है, किसी का कोई शत्रु स्तंभन के लिए, किसी का सुख संपदा के लिए, अनेक तरह के यंत्र होते हैं, वो उसी प्रकार से सिद्ध किए जाते हैं। आपके जीवन में कैसी भी कठिन से कठिन समस्याएं हो, उनके निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र शक्ति के उपायों जैसे श्री ब्रह्मास्त्र कवच यंत्र को धारण करें एवं यथा स्थानों पर स्थापित करें और उनके मंत्रों को जप कर पाठ करने से एवं विशेष हवन अनुष्ठानों से निश्चित ही ये सृष्टि हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव करती है और हम अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्त होकर संपूर्ण सुख एवं समृद्धि पा सकते हैं।
निसंदेह आदि शक्ति की कृपा से सब संभव है और सफल है। श्री ब्रह्मास्त्र कवच यंत्र जर्मन सिल्वर से निर्मित एवं शुद्ध स्वर्ण मिश्रित है, जिस पर विशेष लेजर नैनो टेक्निक द्वारा बहुत ही सूक्ष्म ब्रह्मास्त्र मंत्र और यंत्र संपुटित किए गए हैं, जो बहुत ही असाधारण एवं सूक्ष्म है, परंतु मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़े जा सकते हैं। यद यत कामयते कामम साध्या साध्ये महीतले हो तत तत कामम वाप्नोति सप्तरात्रेण शंकरी। जब जब आपको परेशानी आती है और आप इसकी साधना करते हैं, तब तब आपको इसकी प्राप्ति निश्चित ही होती है, ऐसा प्रमाणित है। जहां आपका मतलब रूम है, पूजा करते हैं, वहां इसको स्थापित कीजिए। सवेरे उठ के धूप टिक्का लगाइए और माता बगला मुखी का पाठ कीजिए या बगला मुखी का चालीसा पढ़ कर सकते हैं, तो उस करने से आपको प्रतिदिन जितनी भी बाधा है वो दूर करती है और आपकी जल्दी जितने कार्य है संपूर्ण हो गए माता बगला की कृपा से। सृष्टि की समस्त शक्तियों पर, समस्त ऊर्जाओं पर माता आदि शक्ति का ही नियंत्रण है, जिन्हें देवों के देव महादेव ने यंत्र में स्थापित कर 64 लाख भैरव से संरक्षित किया है। ये यंत्र भगवती बगलामुखी की ब्रह्मास्त्र कवच शक्ति है, जिसकी रक्षा स्वयं अष्ट भैरव करते हैं। ये है कवच और यंत्र भी, ज्ञानम भी है और मंत्र भी। ये है कवच और यंत्र भी, ज्ञानम भी है और मंत्र भी। तू कर नमन इसे धार ले, संकट विकट सब पार ले। ब्रह्मास्त्र 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 कवच यंत्र, ब्रह्मास्त्र कवच यंत्र, ब्रह्मास्त्र कवच यंत्र। उपाय कई समस्याओं के समाधान के लिए किए जाते हैं, मगर तब क्या जब उपाय अपने आप में ही समस्या बन जाएं? यानी कि कई बार उपाय इतने कठिन होते हैं कि आप उसे करने में या तो हिचकते हैं या फिर उत्साहित महसूस नहीं करते। कई बार भूलवश कोई त्रुटि हो जाने पर फल नहीं मिलता, बल्कि नुकसान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में क्यों ना ऐसा समाधान किया जाए जहाँ पर समृद्धि, सफलता और सहजता हो, जहाँ माँ भगवती की ऐसी शक्ति हो जिसके सानिध्य में आप सुरक्षित रहें। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो श्री ब्रह्मास्त्र कवच यंत्र ही एकमात्र विकल्प है। इसे धारण करें और फिर जीवन को बदलते हुए, आशाओं को फलित होते हुए देखिए। स्त्री इसे यदि बाएं बाजू पर धारण करती है और पुरुष यदि इसे गले में धारण करते हैं, तो विवाद संग्राम में विजय की प्राप्ति होती है और नारी को संतान की प्राप्ति होती है। यदि आप कोर्ट कचहरी मुकदमों के झंझट में फंसे हैं, शत्रु पक्ष यदि आप पर हावी हो रहा है, किसी अप्रिय दुर्घटना का शिकार होने से अच्छा है कि उसका सरलतम उपाय कर लिया जाए। ऐसे में आप श्री ब्रह्मास्त्र कवच यंत्र धारण करें। किसी भी प्रकार की अनहोनी और बुराई का नाश करता है श्री ब्रह्मास्त्र कवच यंत्र। संस्तंभम जायते शत्रोर्नात्र कार्या विचार।
शत्रु के किसी भी कार्य, अभिचार या उसके विचारों का स्तंभन हो जाता है। विवादे विजयम् तस्य संग्रामे जयमाप्नुयात्। विवादों में, झगड़ों में, कोर्ट कचहरी के मसलों में विजय की प्राप्ति होती है। संस्तंभम् जायते शत्रुर्नात्र कार्या विचारिणा, विवादे विजयम् तस्य संग्रामे जयमाप्नुयात्। संस्तंभम् जायते शत्रुर्नात्र कार्या विचारिणा, विवादे विजयम् तस्य संग्रामे जयमाप्नुयात्। देवी मैया का यह दिव्यमय प्रसाद ब्रह्म अस्त्र कवच को धारण करने से हर प्रकार की बाधाओं का नाश होता है, शत्रु की बाधाओं का नाश होता है, नवग्रहजन्य पीड़ा का नाश होता है, रोग व्याधि से कष्ट से हम परेशान हैं तो उसके लिए यह धारण करने से सर्व प्रकार से रोग मुक्त व्यक्ति होता है, और विशेष करके न्यायालय कोर्ट कचहरी के अभियोग से हम परेशान हैं तो इस दिव्यमय ब्रह्म अस्त्र को धारण करने के पश्चात उससे हमें मुक्ति प्राप्त होती है। जब वो ग्रह आ गया, शनि आ गया, राहु आ गया, केतु आ गया, जब आदमी के ऊपर प्रभाव पड़ता है किसी ऐसी शक्ति का तो वही शत्रु बढ़ जाती है। शत्रु जो हमारा ग्रह भी हो सकता है, ये नहीं है कोई आदमी शत्रु है, कोई दोष भी हो सकता है, तो उस दोष को निवारण करने के लिए माता बगला मुखी का मंत्र पाठ किया जा सकता है। इति श्री विश्व सारोद्धार तंत्रे पार्वतीश्वर संवादे बगला मुखी ब्रह्मास्त्र कवचम। ये श्री विश्व सारोद्धार तंत्र द्वारा पार्वती ईश्वर द्वारा संवादित बगला मुखी ब्रह्मास्त्र कवच का प्रमाण है। इनका एंडियम उसका करवाइए और इनका सीसीटीवी कैमरा को ठीक करो। दोस्तों, आज कोई भी अच्छा काम करे उसके दुश्मन ज्यादा हैं, पर भाई मैंने तो ठान लिया है कि मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा। मैं भले ही मंत्री ना सही पर क्षेत्राध्यक्ष तो हूं, लोगों के बीच में हूं, उनकी सेवा कर रहा हूं, पब्लिक को लीड कर रहा हूं, और क्या चाहिए। बाकी रही मंत्री बनने की बात, तो माँ भगवती की कृपा से यहां तक पहुंच गया हूं, आगे का रास्ता भी वही दिखाएगी। बाकी आप लोगों का प्यार, माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मास्त्र कवच यंत्र की शक्ति मेरे साथ है तो सब अच्छा ही होगा। ठीक है जी, मैं अब निकलता हूँ। सर, जहाँ तक आए तो थोड़ा अच्छा है, प्लीज़। नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे किसी और मीटिंग में जाना है, फिर सही। ठीक है, बाकी कोई समस्या हो तो मिलिएगा। ठीक है, अच्छा, नमस्कार। चलिए भैया। पर मंत्र, पर यंत्र, पर तंत्राणी छेदय छेदय, आत्म मंत्र यंत्र तंत्राणी रक्ष रक्ष। दूसरों के द्वारा किए गए टोने टोटके से, जादू टोने से श्री ब्रह्मास्त्र कवच यंत्र हमें बचाता है, हमारी समस्त शक्तियां, धन एवं जीवन की रक्षा करता है श्री ब्रह्मास्त्र कवच यंत्र। जो आदमी है भी तंत्र है ये, क्योंकि आदमी जब चलता है तो इसके अंदर कौन सी बैटरी लगी हुई है, कौन सी ऐसी चीज है जो इसको चला रही है, तो इसी प्रकार से ये तंत्र विद्या है जिसको कोई पता नहीं लगता भी कैसे कैसे चलना है इसको, तो ये भगवान का अंश है और भगवान के द्वारा दी गई प्रकृति की ये चीज है। ये माता का ये यंत्र सभी प्रकार की व्याधियों रोगों से आपकी रक्षा करता है। श्री ब्रह्मास्त्र कवच यंत्र नौ ग्रहों के दुष्प्रभावों एवं उनके विपरीत फलों से भी हमारी रक्षा करता है। चाहे किसी ग्रह के मार्गेश की दशा हो या शनि की साढ़े साथी, मंगल रूठा हो या सूर्य अस्त हो, चाहे बृहस्पति ही क्यों ना नीच का हो या फिर राहु और केतु के दुष्प्रभाव हो, काल सर्प दोष, पितृ दोष या ब्रह्म दोष, प्रत्येक ग्रह के लिए अब अलग अलग उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मास्त्र कवच की साधना और यंत्र का धारण कर लेना ही पर्याप्त है। ग्रहणाम पूर्व दिशानाम बंधय बंधय, वार्तालिमा रक्ष रक्ष। दक्षिण दिशाम बंधय बंधय, किरात वार्तालिमा रक्ष रक्ष। पश्चिम दिशाम बंधय बंधय, स्वप्न वार्तालिमा रक्ष रक्ष। उत्तर दिशाम बंधय बंधय, कालिमा रक्ष रक्ष।
ऊर्ध्व दिशम बंध है उग्र कालिमा रक्ष रक्ष, पाताल दिशम बंध है बगला परमेश्वरी मां रक्ष रक्ष। ब्रह्मांड की कोई भी बुरी शक्ति किसी भी दिशा से हमारे जीवन को भेद नहीं सकती। वास्तु दोषों के निवारण के लिए एवं दसों दिशाओं से आने वाली बुरी ऊर्जाओं से हमारे घर की रक्षा करता है काली एवं उग्र काली की शक्ति के स्वरूप में। माता का जो मंत्र जो है प्रत्येक कार्य का होता, जिस कार्य को अपने मन में ठान लिया कि ये मेरा कार्य होना चाहिए तो माता उस कार्य को ही जल्दी ही संपूर्ण कर देती है, चाहे कोई भी हो। ग्रहम निवारय निवारय, सकल रोगान विनाशय विनाशय, मम शत्रुन उच्चाटय उच्चाटय, हुम फट स्वाहा। सभी रोगों से हमारी रक्षा करता है ये यंत्र, दुर्घटनाओं से रक्षा करता है ये यंत्र। शत्रु भी आपके विरुद्ध रचे जा रहे षड्यंत्रों को बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं और हार मान लेते हैं। आप पर आदिशक्ति माँ भगवती की ऐसी कृपा होती है कि प्रत्येक व्यक्ति से आपको मान सम्मान स्नेह एवं यश की प्राप्ति होगी। आपके पूरे जीवन को सुरक्षित करता है श्री ब्रह्मास्त्र शक्ति से तैयार ब्रह्मास्त्र कवच यंत्र, जिसे आपके नाम एवं गोत्र से सिद्ध संकल्पित कर आपको दिया जाता है, जिसमें स्त्रियों के लिए ब्रह्मास्त्र कवच बाजूबंद, पुरुषों के लिए ब्रह्मास्त्र कवच लॉकेट, बच्चों के लिए ब्रह्मास्त्र शक्ति लॉकेट एवं ब्रह्मास्त्र कवच वास्तु निवारण यंत्र निर्मित किए गए हैं, जिसे आप अपने घर की चारों दिशाओं में और एक ऊर्ध्व दिशा में एक पाताल दिशा में गाड़ देंगे या दबा देंगे, जिससे कि किसी भी दिशा से आने वाली कोई भी बुरी शक्ति या नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। आपके जीवन में कैसी भी कठिन से कठिन समस्याएं हो, उनके निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र शक्ति के उपायों जैसे श्री ब्रह्मास्त्र कवच यंत्र को धारण करें एवं यथा स्थानों पर स्थापित करें और उनके मंत्रों को जप कर पाठ करने से एवं विशेष हवन अनुष्ठानों से निश्चित ही ये सृष्टि हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव करती है और हम अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्त होकर संपूर्ण सुख एवं समृद्धि पा सकते हैं। निसंदेह आदि शक्ति की कृपा से सब संभव है और सफल है। श्री ब्रह्मास्त्र कवच यंत्र जर्मन सिल्वर से निर्मित एवं शुद्ध स्वर्ण मिश्रित है, जिस पर विशेष लेजर नैनो टेक्निक द्वारा बहुत ही सूक्ष्म ब्रह्मास्त्र मंत्र और यंत्र संपुटित किए गए हैं, जो बहुत ही असाधारण एवं सूक्ष्म है परंतु मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़े जा सकते हैं। तो देखा आपने, तमाम परेशानियों के बाद कैसे छू मंतर हो जाते हैं ये दुख दर्द कष्ट और क्लेश, सिर्फ और सिर्फ माता भगवती की कृपा से। वही शक्ति जो इस समस्त जगत जीवन को चलाती है, यदि उस आदिशक्ति की मात्र एक दृष्टि हम पर पड़ जाए तो क्या इस जीवन में कष्ट रह पाएंगे, परेशानियां रह पाएंगी? लेकिन ये दृष्टि हम तक आएगी कैसे? उनके स्मरण मात्र से, उनकी साधना से, उन्हीं की शक्तियों से, उन्हीं के मंत्रों से, जिसे समाहित किया गया है इस ब्रह्मास्त्र कवच यंत्र में। इसे धारण करने मात्र से आपके जीवन में चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा एवं वातावरण बनता है, जिससे रोग शोक दुख संताप का नाश होता है, शत्रुओं का नाश होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन में शुभता और सौभाग्य उदय होते हैं। इसीलिए जो इसे धारण करेगा वही इसके प्रत्यक्ष प्रमाण को महसूस कर पाएगा। जय माँ बगला मुखला। ब्रह्मास्त्र 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 कवच यंत्र, 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 ब्रह्मास्त्र कवच यंत्र।